जलवायु संकट पर अमेरिका के विशेष दूत जॉन केरी ने जोर देकर कहा है कि भारत, चीन और रूस सहित सभी 17 प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देशों को आगे आने एवं उत्सर्जन में कटौती करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करें। आपको बता दें कि अमेरिका आधिकारिक रूप से जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते में दोबारा शामिल हो गया है। एक शोध में ये बात सामने आई है कि सेब खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस शोध के अनुसार सेब में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होते हैं। इनसे अल्जाइमर का खतरा भी कम हो जाता है। शोध की माने तो सेब में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो सब्जियों, फलों, साबुत अनाजों और दालों में पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, साथ ही स्मरण शक्ति को कम करने वाली बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायक होते हैं। साथ ही ये न्यूरॉन्स को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। जीवन का पता लगाने के लिए नासा का यान पर्सिवेरेंस मंगल ग्रह की सतह पर पहुंच चुका है। पर्सिवेरेंस ने लैंडिंग के समय अपने कैमरे से ली गई लाल ग्रह की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें धरती पर भेजी हैं। इसमें एक कलर फोटो भी शामिल है जिसमें मंगल ग्रह की सतह दिखाई दे रही है। नासा ने अंतरिक्षयान को 25 कैमरों और 2 माइक्रोफोन से लैस किया है। 6 पहिए वाला रोवर मंगल ग्रह पर उतरकर वहां की जानकारी जुटाने के काम में लग गया है। अभियान के तहत ग्रह से चट्टानों के टुकड़े भी लाने का प्रयास किया जाएगा जो मंगल पर जीवन के सवाल का जवाब खोजने में अहम साबित हो सकते हैं। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पिछले 7 दिनों में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के नए सक्रिय मामलों में वृद्धि देखी गई है। यहां पिछले 24 घंटे में 259 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। आने वाले कुछ दिनों में कोका कोला प्लास्टिक के जगह पेपर बॉटल में नजर आ सकती है। दरअसल कोका कोला अपनी ड्रिंक्स के लिए पेपर बॉटल पर परीक्षण कर रही है। कंपनी का मानना है कि वे पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर प्लास्टिक की बॉटल्स के उपयोग को बंद करने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अभी तक 2000 पेपर बॉटल बनाई है जिसका परीक्षण अभी चल रहा है और गर्मियों के महीने में इसका ट्रायल किया जाएगा। ये बोतलें लकड़ी और जैव आधारित सामग्री से तैयार की गई हैं, जो गैस के साथ ही तरल पदार्थ और ऑक्सीजन को भी रोकने में सक्षम होती हैं। खेतों की सिंचाई के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने हाइड्रोजेल अर्थात पानी की गोली बना ली है। 4 किलो हाइड्रोजेल से 1 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के तहत जमीन की सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकने, सूखे की मार को कम करने, उर्वरकों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ये शोध परियोजना स्वीकृति की गई थी। अनुसंधान के अनुसार हाइड्रोजेल से निर्धारित मात्रा में पानी वितरण के कारण धरती में पानी का ठहराव 50-70% बढ़ जाएगा। मिट्टी का घनत्व भी 10% तक कम हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा, जहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 दर्ज किया गया। इसके बाद ग्रेटर नोएडा और तीसरे नंबर पर दिल्ली रहा। प्रदूषक सूचकांक एप समीर के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा में 318, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 259 और फरीदाबाद में 258 दर्ज किया गया। आंकड़ों में ये भी कहा गया है कि इन शहरों के अलावा बागपत में वायु गुणवत्ता सूचकांक 218, बुलंदशहर में 301, गुरुग्राम में 274, आगरा में 203, बल्लभगढ़ में 227, भिवानी में 143 और मेरठ में 238 दर्ज किया गया। 17 फरवरी को सीधी में हुए बस हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों से मुलाकात करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने रात्रि विश्राम जिले के सर्किट हाउस में की। हालांकि रात शिवराज सिंह के लिए बहुत खलल वाली रही क्योंकि उन्हें मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई। इतना ही नहीं, सर्किट हाउस में फैली अव्यवस्था को लेकर भी शिवराज सिंह काफी नाराज हो गए। शिवराज सिंह चौहान को रात भर मच्छर काटते रहे, उन्हें नींद नहीं आई तो उन्होंने आधी रात को ही अधिकारियों की क्लास लगा दी।
मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 2:30 बजे रात में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव किया गया। देश में गर्मी बढ़ने के बाद एक बार फिर सर्दी का कहर लौटता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान जताया है, जिसके कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों और लद्दाख के इलाकों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है, जबकि अन्य राज्यों में बारिश, कोहरा और सर्दी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान देश के पूर्वोत्तर हिस्सों समेत सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी 1-2 जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।